बस स्टॉप पर बूढ़ा शख्स और एक हामलो औरत बस के आने का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ा शख्स तजस्सुस से औरत के पेट की तरफ देख रहा था। उसने पूछा, आप किस महीने में हैं? औरत परेशान हो गई। उसके उदास चेहरे से परेशानी साफ आया थी। पहले तो उसने बूढ़े शख्स के सवाल पर कोई तवज्जो नहीं दी, फिर चंद लम्हों बाद उसने जवाब दिया, मैं 23वें हफ्ते में हूँ। बूढ़े ने फिर पूछा, क्या ये आपकी पहली पैदाइश है? औरत ने जवाब दिया, हाँ। बूढ़े शख्स ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। औरत ने परेशानी के आलम में पेट पर हाथ रखा और अपने आंसू रोक कर उसकी तरफ देखा। बूढ़े ने कहा, ऐसा होता है कि इंसान की परेशानी का एहसास बाज़ोकात ऐसी चीज़ों पर बढ़ जाता है जिनके लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती। हामलो औरत ने उदासी से जवाब दिया, शायद। बूढ़ा मजीद मुतजस्सस लग रहा था। लगता है आप मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? उसने जवाब दिया, उसने मुझे 4 महीने पहले छोड़ दिया था। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हारे घर वाले और कोई दूसरे अजीज क्या आपके साथ नहीं है? औरत ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं सिर्फ अपने बीमार वालिद के साथ रहती हूँ। बूढ़े शख्स ने कहा, मुझे ये एक मजबूत सहारा लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिरे और बोली, हाँ, यहाँ तक कि जब वो इस हालत में हो। बूढ़े शख्स ने पूछा, उसे किस आर्जा की शिकायत है? औरत ने जवाब दिया, उसे ये याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। उसने अपना ये आखिरी जुमला उस बस के आने के चंद लम्हों बाद कहा जो उन्हें ले जाने वाली थी। वो उठी और कहने लगी, हमारी बस आ चुकी है। वो पीछे मुड़ी और उसे हाथ से पकड़ा और कहा, चलो बाबा चलें।